और भाई आज जा रहे हैं ग्राउंड में भानु के साथ, भानु नेता जी के साथ ग्राउंड में जा रहे हैं। और भाई मजे और मस्ती से, और चार्जिंग वाली खर्चा नहीं खाता बिल्कुल भी, ना पेट्रोल का ना किसी चीज़ का, फेर है यार अपने आप में। तो ठीक है भाई, चल के करते हैं थोड़ा सा वर्कआउट आज है संडे। और रात तो यार पूरी रात शूटिंग में निकल गई, रूबल भाई का एक गाना है वो आएगा तो उसकी शूटिंग में सारी पूरी रात चली गई, पूरा दिन भी चला गया पूरी रात चली गई। और अब चल रहे हैं ग्राउंड की तरफ, बस 2 घंटे की नींद, और 2 घंटे की नींद के बाद ग्राउंड पे चल दिए, क्योंकि अभी सोच रहा हूँ वेट लॉस कर लूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया अपना भी। तो भाई अपना ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको मालूम है देसी है, देसी तरीके से वही अपना करेंगे जैसे भी है, ठीक है। और आपको दिख जाएगा, फ़र्क दिख जाएगा कि हाँ वाकई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 1-1.5 महीना या 2 महीने के भीतर अंदर मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर दूँगा बढ़िया वाला, ठीक है। तो भानु भी थोड़ी बहुत मेहनत करेगा और हम भी, और चल के करते हैं। और एक हमारी सिस्टर आई हुई छोटी जो कि व्यायाम सिखाती है, तो वो भी आज हमारे साथ ही वर्कआउट करेगी। तो चलते हैं और आपको मिलते हैं कैडियो में, ठीक है भाई। ऐसा है ग्राउंड पर आ चुके हैं, और ये है हमारी छोटी बहन जिसके साथ हमारा आज वर्कआउट है। हाई कर दो जरा पब्लिक को, हमारी जनता को हाई कर दो। तो ठीक है, आज इसके साथ वर्कआउट है, और हमारा वर्कआउट आज स्टेशन बाय स्टेशन जो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। स्ट्रेंथ और पावर स्टेमिना का बहुत बड़ा इस्तेमाल इसमें होगा, बहुत जान लगने वाली है आज। तो भाई बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी है, थोड़ी बहुत मेहनत ज़रूर करूँगा यार, बढ़िया। ठीक है, तो आज आपको वर्कआउट देखने को मिलेगा जिसका नाम है स्टेशन बाय स्टेशन, उसको करेंगे बढ़िया मज़े से, ठीक है। तो ठीक है भाई, पहले थोड़ा वार्म अप कर लें, उसके बाद आपको दिखाएंगे स्टेशन बाय स्टेशन ट्रेनिंग कैसे होती है पहलवानों वाली, ठीक है। तो भाई ऐसा है, मेहनत में आ रहा है बहुत मज़ा, लड़की होने के बावजूद पूरी टक्कर दे रही है, मज़ा आ रहा है। देखो व्यायाम, मैंने बताया था व्यायाम क्लास लेती है, टीचर है व्यायाम क्लास की, तो स्टेमिना और स्ट्रेंथ तो ऑटोमेटिक आ जाती है व्यायाम वालों में, बहुत स्टेमिना है और स्पीड बहुत अच्छी है। अभी हम 5 चक्कर रनिंग करेंगे, आप देखना बहुत टक्कर दे रही है, मतलब बहुत जान लगाती है, स्टेमिना और स्ट्रेंथ और स्पीड की कोई कमी नहीं है इसमें। अभी आपको 5 चक्कर दिखाएंगे, 5 में देख लेना कितनी स्पीड है इसमें। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. तो भाई जब असली मेहनत होती है तो ऐसे स्टेमिना फटता है। कुछ बोलना। हाय गाइस, कुछ
आवाज निकल गई, हेलो गाइस, आवाज कैसे चली गई, हेलो गाइस। ऐसे होता है, मुझे ही देख लो, इसे देख लो, बहुत जान लगाई है, बहुत अच्छी बढ़िया स्टेमिना इसके अंदर। स्ट्रॉइड वालों से अच्छा है, उनको टक्कर दे देगी, हरा लेगी, बढ़िया है। तो भाई ऐसा है, मेहनत में बहुत मजा आ गया, देख लो हालत कैसी हो गई। स्टेशन में स्टेशन जिस दिन होती है ना मेहनत, ये ज़्यादा हार्ड है, इतने पैरों में भी दर्द कर दिया, ये बहुत हार्ड मेहनत है। एक शटर रनिंग स्टेशन में स्टेशन, इनमें क्या है, स्टेमिना, स्ट्रेंथ और पावर। हमने जैसे हर मेहनत में हम यही काम करते हैं, आपको बताते हैं स्टेमिना, स्ट्रेंथ और पावर। जिस काम में लगे हम वो काम करते हैं, जिसमें ओनली पावर पावर लगे उसको भी नहीं करते, जिस काम में पंपिंग आई उसको भी बिल्कुल करते ही नहीं है। बहुत अच्छी मेहनत हुई है, और कुछ व्यायाम की चीज़ें आपको दिखवा देंगे आज, इसकी कुछ चीज़ें आपको दिखवा देते हैं, बहुत अच्छे व्यायाम। और व्यायाम के पर बेस पे ही इसने स्टेमिना भी रेडी किया हुआ अपने अंदर, स्ट्रेंथ और पावर, ये चीज़ें एकमात्र व्यायाम को, व्यायाम की वजह से इसने अपने अंदर इतना सारा सिस्टम बना लिया है। पावर आई हुई, देखा होगा, बहुत ही अच्छी मेहनत की है, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी की है। हालत देखो हम दोनों की कैसी हो गई, जान बहुत लगी है दवा। तो इसके कुछ व्यायाम दिखा देते हैं आप, तो चलो कुछ चीज़ें दिखा दो आज हमको। तो भाई अब ये जो भी चीज़ दिखाएगी आप देख लेना, अब तेरे ऊपर है, जो तुझको दिखाना है व्यायाम की, जो भी चीज़ें आपको सिखानी है ना वो आप हमारी जनता को सिखाओ आज, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, और उसके बेनिफिट बता देना सारे, ठीक है। मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। मेरा नाम मानसी रावत है, मैं एक योगा फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं आज मैक्सेसी फिटनेस सेंटर पे आई हूँ भैया के साथ थोड़ा वर्कआउट करने के लिए। तो आज मैं बताना चाहती हूँ, हमारे लाइफ में योगा और प्राणायाम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप सभी को अपने अपने डेली बिजी रूटीन से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा प्राणायाम, कुछ आसन जो कि आपकी बॉडी को फिट रखेंगे। प्राणायाम से क्या होता है, हमारी बॉडी फिट रहती है और स्ट्रॉन्ग भी रहती है, इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है। तो चलिए कुछ प्राणायाम आपको बताऊँ जो आपको डेली रूटीन में करने चाहिए। सबसे पहले डेली सभी को 5 से 10 मिनट कपालभाति करना है। कपालभाति के लिए किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, कमर गर्दन सीधी और आंखें बंद करके हैंड्स को चिन मुद्रा में रख के बॉडी रिलैक्स करके प्रॉपर इनहेल करना है, देन प्रॉपर एक्सहेल 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 करना है। इसी तरीके से कंटिन्यू 5 से 10 मिनट डेली आपको कपालभाति करना है। कपालभाति करने के बाद 5-10 मिनट भस्त्रिका का प्राणायाम कर लें, 5-10 मिनट अनुलोम विलोम कर लें। अगर आप अपनी लाइफ में प्राणायाम के कुछ 2-4 प्राणायाम आप डेली करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। अभी कपाल भस्त्रिका का प्राणायाम देखें किस तरीके से करना है। कमर गर्दन सीधी, हैंड्स अप, इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए बैक, इस तरीके से आपको डेली 5 से 10 मिनट या 5 मिनट स्टार्टिंग में 20 सेकेंड 30 सेकेंड से स्टार्ट करते हुए डेली डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ा के इसे 5 मिनट और 10 मिनट तक रेगुलर करना है। फिर नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे हम अनुलोम विलोम। हैंड्स, लेफ्ट हैंड को चिन मुद्रा में रख के राइट हैंड को विष्णु मुद्रा में रखना है और इनहेल करना है लेफ्ट से एंड राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल एंड प्रॉपर लेफ्ट से एक्सहेल। इस तरीके से आप अनुलोम विलोम करेंगे, इसे भी धीरे धीरे करके इसकी टाइमिंग बढ़ानी है। इन प्राणायाम को आप डेली करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, अनुलोम विलोम करने से आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। डेली करने से आपकी बॉडी ऑल धीरे 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 करके फिट होने लगेगी। इसने कुछ प्राणायाम आपको दिखाए होंगे, क्या है ना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि योगा तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसका खुद का भी सेंटर है और इसके जो जो आसन है ना,
आसन की मैं आपको कुछ क्लिप दिखा दूँ इसकी, जो इसने सेंटर पे अपने कर करके फोटो डाल रखे हैं और वीडियो डाल रखे हैं, उसकी एक क्लिप दिखा देता हूँ। भाई आपने फोटो देख लिए होंगे इसकी, जो योगा फिटनेस है ना उसका आप खुद एड्रेस बता दो जिस भाई को सीखना है, या हमारी जिस बहन को, हमारी माता बहनें जो भी हैं उनको सीखना हो, वो इसकी फिटनेस क्लब पे, व्यायाम क्लब पे जा सकते हैं। बता दो एड्रेस एक बार। हेलो, मेरा फिटनेस सेंटर है देवभूमि योग फिटनेस के नाम से, नोएडा सेक्टर 190 इन फ्रंट ऑफ एलडीगो आमंत्रण गेट नंबर 1। मैं बस योगा प्राणायाम ही नहीं, योगा के साथ साथ ऑल फुल बॉडी वर्कआउट कराती हूँ। योगा, वेट लॉस, कार्डियो वर्कआउट एंड ऑल बॉडी पे वर्क कराती हूँ। प्राणायाम के साथ साथ ऑलमोस्ट लोग वेट लॉस के लिए भी मेरे पास आते हैं। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड कराती हूँ एंड पीटी क्लासेस भी अवेलेबल कराती हूँ नोएडा 119 के नियर बाय सोसाइटीज़ में। ओके, अगर किसी को मेरे से क्लासेस लेनी है या फिर वेट लॉस करना है, किसी भी डिसीज़ को फेस कर रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, धन्यवाद। तो भाई ऐसा है, अगर वहाँ आपको नहीं जमे बात तो आने वाले टाइम में कोशिश करूँगा ये यहीं पे आके आपको सिखाने लग जाए, आपको दोनों फिटनेस का लुत्फ उठाने को मिलेगा, मैक्स देसी फिटनेस और योगा क्लासेस। ठीक है, ओके की रिपोर्ट। तो भाई मेहनत करने में आ गया बहुत मज़ा, और कुछ चीज़ें इसकी भी देखी होंगी। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। कहाँ पड़े चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। बाय बाय, तू कर दे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।